हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एसी। दोस्तों ये मेरे पास लावा का जेड एक्सेट फ़ोन है, इसमें कि चार्जिंग ऑटोमेटिक हो रही है, चार्जिंग ऑटो हो रही है इसमें। ये देख लीजिए आप, चार्जिंग का लोगो बने आ रहा है इसमें। ये चार्जिंग ऑटो हो रही है, इसमें चार्जर वगैरह कुछ लगा नहीं है और इसमें चार्जिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स इसको सही करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है कि ऑटो चार्ज होने लगता है फ़ोन ये। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से बैटरी निकालेंगे और उसका हम सिम वगैरह निकाल लेंगे। पेच लगे होंगे, इसको ओपन कर लेंगे। फ्रेंड दे लीजिए, हमने इसको ओपन कर लिया यहाँ से और इसमें चार्जिंग जो दिक्कत आ रही है ये चार्जिंग कनेक्टर से ही आ रही है तो हमें लगता है, तो हम इसको निकालेंगे। पहले पीछे पीसीबी हटा दी है, इसको ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि चार्जिंग अब तो नहीं हो रही इसमें ऑटो। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं एक बार। तो देख लीजिए फ्रेंड, शट डाउन हो गया और चार्जिंग ऑटो नहीं आ रही इसमें। तो ये जो दिक्कत हो रही है ये चार्जिंग कनेक्टर से हो रही है, इस पीसीबी से हो रही है। ये पीसीबी हमारे पास है इसमें हो रही है, तो हम इसको चार्जिंग कनेक्टर को निकालेंगे, फिर इसको साफ़ करेंगे, फिर से लगाएंगे इसको, सिमडी से निकालेंगे इसको। और ये आसानी से निकल आएगा। तो देख लीजिए इसको निकाल लिया हमने, अच्छी तरीके से इसको साफ़ करेंगे पहले। इसको अच्छी तरीके से आईपी से वॉश करेंगे, इसको सोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से। पीसीबी लगा दी है हमने इसमें, अब इसको हम चार्जिंग को लगा कर चेक करते हैं। तो दिक्कत हो रही थी पहले, देख लीजिए ऑटो नहीं आ रहा चार्जिंग, और इसको चार्जिंग लगाते हैं देख लीजिए फ्रेंड्स, ये चार्जिंग हो रही है इसमें, चार्जिंग हो रही है। तो ये ऑटो चार्जिंग की जो दिक्कत होती है चार्जिंग कनेक्टर से होती है। ये चार्जिंग कनेक्टर को आप वॉश करेंगे, दोबारा कनेक्टर हटा के दोबारा लगा देंगे या कोई दूसरा कनेक्टर लगाएंगे तो ये दिक्कत इसकी खत्म हो जाएगी, ये दिक्कत दूर हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।